जी हाँ दोस्तों, आज हम आ चुके कहाँ, कमल ढाबे पर। जी हाँ दोस्तों, तो स्वाद हो तो ऐसा कमल ढाबे के जैसा। लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है कि कमल ढाबे का स्वाद ऐसा है कि आपको कहीं और मिलेगा नहीं, और इसके आगे यहाँ के सभी रेस्टोरेंट फेल हैं। तो वही स्वाद चखने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और देखते हैं कि कमल ढाबे का स्वाद ऐसा होगा भी या नहीं जैसा कि लोगों ने बताया। तो वेलकम टू बैक माई चैनल द फूडी किंग में आपका स्वागत है, और मैं अभय सिंह आज के फूड एक्सप्लोरर में आपको ले आया हूँ कहाँ, कमल ढाबा गाजियाबाद साहिबाबाद सूर्यनगर। तो ये कमल ढाबा सूर्यनगर में पड़ता है साहिबाबाद में। तो आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, मिस्टर आकाश दिल्ली से, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे एक बार जाकर वहाँ पर कमल ढाबे पर खाना टेस्ट करिए अगर आप भी फूडी शौकीन है। तो वही टेस्ट और फूडी शौकीन वाला जायका हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए हैं, तो आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए और उसके बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। ये हैं, क्या नाम है सर आपका? संजय। संजय जी हैं जो यहाँ पर ऑर्डर लेते हैं और लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं यहाँ के सबसे मेन। तो संजय जी, क्या ऐसा सच है कि लोग कहते हैं कि यहाँ के खाने ने रेस्टोरेंट फेल कर दिए? जी बहुत मशहूर है यहाँ का, बहुत मशहूर है जी। और क्या बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए? कहाँ कहाँ से? जी यहाँ से काफ़ी दूर से, आनंद विहार गाजियाबाद, काफ़ी दूर से यहाँ लोग आते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ का क्या मशहूर है ऐसा? यहाँ का शाही पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, लवल पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, कढ़ाई चाप हो गया, ड्राई चाप हो गया, मलाई चाप हो गया, और मिक्स वेज हो गई। ये तो आपने सारी चीज़ें बोल दी, ऐसे क्या सारी चीज़ें फेमस है? यहाँ के आइटम ही सारा फेमस है भाई साहब। भाई साहब यहाँ का सारा ही आइटम फेमस है। तो हमने तो दो आइटम ऑर्डर किए हैं, पनीर लबाबदार और दाल मखानी। इनका टेस्ट करके देखते हैं कि ये अच्छा होगा भी या नहीं। अगर अच्छा हुआ तो हम लोगों को रिकमेंडेशन करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप भी आइए और टेस्ट करके एक बार देखिए अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो। देखते हैं कि स्वाद इतना आता है या नहीं। तो हम ऑर्डर देने वाले हैं क्या, पनीर लबाबदार, दाल मखानी, एक बटर नान और एक मिस्सी रोटी। तो आइए देखते हैं। चलिए, हमने भैया को ऑर्डर दिया है, तो देखते हैं कि यहाँ का खाना इतना लाजवाब और शानदार है भी या नहीं। और इसकी सूचना हमें दी थी किसने, मिस्टर आकाश ने इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कहा था कि भैया अगर आपको खाने के इतने ही शौकीन हो तो आप एक बार कमल ढाबे का स्वाद टेस्ट करिए कि वहाँ के खाने का स्वाद होता कैसा है। तो सबसे पहले तो हम अपने सब्सक्राइबर मिस्टर आकाश को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सूचना दी और हम आज यहाँ पर आए हैं ब्लॉग शूट करने। तो देखते हैं कि यहाँ के खाने का स्वाद कितना अच्छा होने वाला है, तो आइए चलते हैं। तो जी ये बन रहा है हमारा क्या, पनीर लबाबदार। ये देखिए, हम आपको मेकिंग दिखा रहे हैं इनकी, ये किस तरीके से बनाते हैं। और ये लगा जी इसमें इन्होंने तड़का। ओहो, और अभी ये हो रही है तैयार क्या, दाल मखनी। ये देखिए क्या सुंदर नजारा है। ये हमारी इन्होंने पनीर की गार्निशिंग दाल मखनी में, और ये आई क्रीम, और ये दाल मखनी भी तैयार। ये लो जी, हो गई दाल मखनी तैयार, और ये पनीर लबाबदार। हमने दिखाई है आपको क्या, यहाँ के अंदर की मेकिंग की, यहाँ पर लोग बनाते कैसे हैं, जो कि आपको किसी भी कमल ढाबे की वीडियो में नहीं मिलेगा। लो जी देखो, अब हम आ चुके हैं, हमारी यहाँ पर रोटियाँ निकल रही है। और ये जा रही है पनीर नान अंदर, देखो कितनी लंबी हो गई, बटर नान। पनीर की गार्निशिंग से मुंह में से पनीर ही निकल रहा है बस। और ये मिस्सी रोटी, ये देखिए ये बनाते हैं भैया। क्या नाम भैया आपका? अविनाश। अविनाश, ओके अभिनाथ। ये आगे निकल कर सीधा घर उसको नाम को,
और ये लग रहा है इस पर बटर, न्यूट्रल है अमूल का, सच है झूठ? सच है कि ये अमूल का लगाते हैं। और ये हमारी मिस्सी रोटी निकल गई, बहुत बढ़िया मिस्सी रोटी। तो ये देखिए मिस्सी रोटी का साइज देखो आप कितना बड़ा है। और ये लो जी हमारी टेबल हो चुकी है तैयार। ये देखो ये पनीर लबाबदार, ये मिस्सी रोटी, और ये सैलेड, और ये अचार और चटनी, और ये हमारी दाल मखानी, और ये हमारी बटर नान। तो लो जी हमारी टेबल एकदम तैयार हो चुकी है पनीर लबाबदार, दाल मखानी और मिस्सी रोटी और बटर नान के साथ। तो आइए टेस्ट करने की बारी है, अब करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्क्रोलिंग कि इनके पनीर के पीस। सबसे पहले ये देखो, ये हैं हमारे पनीर के पीस। तो ये हमारा पनीर लबाबदार है 100 रुपये का हाफ प्लेट, और जिसमें 6 पीस डाले हैं। और ये हमारी दाल मखानी 70 रुपये की हाफ प्लेट, ये देखो ठीक है जी। और ये 20 रुपये की बटर नान, ये देखो ये है बटर नान, काफ़ी अच्छा साइज है 20 रुपये में। और ये हमारी मिस्सी रोटी 15 की, इतना बड़ा साइज है मिस्सी रोटी का, ये देखो। तो अब है इनकी टेस्ट करने की बारी। पहले बटर नान के साथ पनीर लबाबदार, और हाँ सैलेड यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, गरम है काफ़ी। जबरदस्त, ये वाकई में सच बात है कि इनका खाना रेस्टोरेंट को फेल करता है। एक बार आप खा के देखो तभी आप इसका अजम्पशन कर पाओगे कि खाने का इतना अच्छा टेस्ट है भी या नहीं। क्योंकि मुझे, मैंने मल्टीपल ऑफ रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ का जो खाना है वो लाजवाब है। अब लेते हैं थोड़ी दाल मखनी, स्वाद बटर और पनीर और क्रीम का जो इनका मिक्सअप है ना, वो आपको जीभ पर एकदम पता चल जाएगा बहुत इजीली। और जो इनका दाल का जो करारा टेस्ट है, जो फ्राई होती है और उसमें जो तड़का लगता है, उसका टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो इनकी बटर नान है ना, वो देखो कितनी पतली है, ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मीडियम, यह देखो। तो लेते हैं एक और बाइट छोटी सी, पनीर लबाबदार, ये देखो पीस भी कितने बड़े बड़े हैं। जबरदस्त, तो अब बारी है मिस्सी रोटी की। ये देखो मिस्सी रोटी, सबसे अच्छी इनकी बात क्या है कि जो मिस्सी रोटी होगी ना, जो आप रेस्टोरेंट पे लोगे, वो बनकर आएगी भट्टी से निकल कर और तुरंत कड़क हो जाएगी, लेकिन इनकी देखो कितनी सॉफ्ट है अभी। और ये देखो कितनी आसानी से टूट रही है। अब मिस्सी रोटी की बारी है दाल मखनी की साथ, मात्र 70 रुपये। क्या स्वाद है, इसलिए करता है सभी रेस्टोरेंट फेल कमल ढाबा। और ये मात्र 100 रुपये। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी लगी पनीर लबाबदार में, इनकी जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी में जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ना तो ज़्यादा मीठा है
और ना ही ज़्यादा चटपटा है, एकदम मीडियम। जबरदस्त, तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा मिस्टर आकाश का, जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप एक बार कमल ढाबे का टेस्ट लीजिए, तो वाकई में बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। थैंक यू मिस्टर आकाश, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो। और मैं रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि अगर आप फूडी हो और आपको अच्छा खाना खाने का पसंद है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉस्ट कम है, जो कि सभी लोग चाहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और कम कॉस्ट में अगर आपको अच्छा खाना प्रोवाइड कहीं पे किया जा रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो कमल ढाबा फर्स्ट रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।